नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज का। पहले आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखा लेते हैं। ये है सिग्नेचर ब्रिज। आप सबको पता है कि इसको कॉमनवेल्थ यानी 2010 में ही कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन ये समय पे पूरा नहीं हो सका। काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट थी ये, कई बार इसके फंड भी बढ़ाए गए और फाइनली 2018 में ये कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी सिग्नेचर ब्रिज पे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जो हाइट है उसको देख के लग रहा है कि नहीं, सचमुच ये अजूबा है। जब मैं भी न्यूज़ में सुन रहा था कि बहुत ज़्यादा ये चर्चित हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना चर्चा में क्यों है, ऐसा क्या चीज़ है। और जब यहाँ पे आके खुद आँख से देख रहा हूँ तो अब लग रहा है कि नहीं, ये सचमुच में कुछ अलग है। जितने ब्रिज देखा हूँ मैं भारत के करीब 24-25 राज्य गया हूँ, लेकिन इस तरह की ब्रिज जो है वो यूनिक है। आपको ऐसे भी पता चला होगा न्यूज़ में कि भारत में इस तरह की जो ब्रिज है ये पहली बार बनाई गई है, और इसकी जो हाइट है जिस तरह से बनाया गया है वो काफ़ी एक यूनिक तरीका है। अगर किसी को फ़ोटो से इंटरेस्ट ना हो, कई लोग तो यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको साइंस को समझना है, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कोई क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासा रखता है साइंस को समझने के लिए या एक इंजीनियरिंग का कमाल को देखने के लिए, तब भी इस ब्रिज को ज़रूर विजिट करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये ब्रिज, और इसकी जो रोप है यानी कि एक रस्सी के तरह जो पाइप बांधा हुआ है आप देख सकते हैं, ये अपने आप में कहीं 150 मीटर कहीं 100 मीटर की लंबाई है, जो कि आपको एक बार सोचने मजबूर कर देगा कि ये कैसे इसको लगाए होंगे या कैसे इसको सस्टेन किए, और इसके बीच में इसका कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है, एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। और कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी खर्च हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, तो अब इसको आईफिल टावर जो कि फ्रांस के पेरिस में है उसके तर्ज पे तैयार किया जा रहा है, यानी कि लिफ्ट देकर टूरिस्ट को ऊपर ले जाने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। और ये जब बन के तैयार हो जाएगी तो दिल्ली का लगभग इलाका इससे दिख जाएगा। अब भी इसकी हाइट इतनी हो गई है कि 2-4 किलोमीटर से अब भी दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंस, जो कि मेरे दोस्त हैं, ये भी हमारे साथ आए हैं, और इनसे बात करते हैं, कुछ एडिशनल जानकारी आपको देंगे। तो बताइए प्रिंस। एक बार मैं यहाँ से निकल रहा था जो ये ब्रिज बना था, सब लोग यहाँ पे मतलब खड़े हुए सेल्फी ले रहे थे, फोटो खींच रहे थे, फिर ऐसा लग रहा है यार क्या ब्रिज ही तो है यहाँ पे, आगे ऐसा क्या है कि फ़ोटो खींच रहे हैं। लेकिन आज जब मनीष ने मेरे को यहाँ पे आने को बोला और मैं यहाँ पे आया, तब मेरे को लगा कि वाकई में ये अद्भुत है। इसके कंस्ट्रक्शन आप देख लो, इसका बनाने का तरीका देख लो, देख के आँखें खुली की खुली एकदम रह जा रही हैं। ये कैसे मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि इम्पॉसिबल काम पॉसिबल यहाँ पे हो गया है। वो तो सबसे बड़ी बात, जाम से निजात दिलाने वाली बात, तो वो तो पूरी दिल्ली में फेमस हो ही चुकी है। हाँ, एक और चीज़ एडिशनल मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज है, आपने ज़्यादातर ब्रिज देखी होगी वो 2 लेन होगी, 3 लेन होगी, लेकिन ये 8 लेन है, यानी कि एक बार में 8 गाड़ी पैरेलल खड़ी हो सकती है। पैरेलल समझ रहे हैं जैसे कि रेलवे ट्रैक होती है, एक के सामने एक, ये नहीं कि आगे पीछे, यानी एक बार में 8। नमस्कार दोस्तों, आपको दिखाने जा रहा हूँ सिग्नेचर ब्रिज, और अपने एक दोस्त प्रिंस से मुलाकात करवाता हूँ जो कि आपको बताएगा डिटेल में इस ब्रिज के बारे में। हम लोग एक स्टूडेंट हैं इसलिए आपको बताएंगे इसके पीछे का साइंस, फ़ोटो से ज़्यादा हमें इसके पीछे का जो साइंस है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बात करते हैं प्रिंस से और बात करेंगे क्या परेशानी आ रही थी और इस ब्रिज के बनने के बाद क्या सारी सुविधाएं हो जाएंगी, और या फिर ये कितने लेन की हैं, एक बार में कितने गाड़ी एक साथ एक पैरेलल चल सकती हैं, तमाम बात करेंगे। तो बात करते हैं, स्वागत करते हैं प्रिंस का। हाँ प्रिंस जी, बताइए आपका क्या कहना है इस ब्रिज के बारे में, क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? हाथ आगे कर लीजिए, आप प्रेजेंट कर सकते हैं हाथ के द्वारा, अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। पहले आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, पहले परेशानी की बात कर लेते हैं। आप वो एक पुल देख रहे हैं, वो पुराना वाला बजीराबाद का पुल है जो जाम के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बदनाम था हरियाणा में, यूपी में, के बजीरा सबको मतलब
एक भय रहता था कि अगर उधर को जाना हुआ तो वजीराबाद के जाम से जूझना पड़ेगा। आज इसमें एक घंटा दो घंटा तीन घंटा लग जाए कुछ पता ही नहीं होता था, इतना खौफ था वजीराबाद के उस पुल के जाम का। गाजियाबाद से आने वाले, मेरठ से आने वाले, आनंद विहार से आने वाले सब मतलब इतना परेशान रहते थे उस ब्रिज के जाम से बहुत ज़्यादा। सब इस सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जो आप सामने देख रहे हैं इसकी तरफ देखते थे कि कब बन के तैयार होगा, कब बन के तैयार होगा। और इस वजह से 2010 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा 8 साल जो है वो लेट हुआ है। लेकिन लेट होने के बाद लेकिन कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि जैसे देर आए दुरुस्त आए। तो इसके साथ आप ऐसे ही देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई अभी वैसे पूरा नहीं हुआ है, अभी इसकी हाइट कम से कम 180 मीटर तक होगी और इसमें जो है लिफ्ट लगेगी और ऊपर तक क्या कहते हैं लिफ्ट के जरिए पेरिस के ब्रिज की तरह। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि इस पर लिफ्ट ऊपर जाया करेगी और वहाँ से पूरी दिल्ली के जो है वो झरोखे के दर्शन हुआ करेंगे। ये पेरिस की तर्ज पर पूरा तैयार ब्रिज हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ऊपर का काम अभी टूरिज्म का काम जो इसमें होना बाकी अभी हो जो है वो बाकी है। और बाकी अगर ब्रिज की बात करें तो कम से कम 8 से 12 लाइन का ये ब्रिज है और पूरा कम से कम 10 से 12 साल में बनकर ये तैयार हुआ है। और ये पूरा मतलब ये दिखाता है कि हमारा देश साइंस टेक में कितना आगे बढ़ चुका है। ये देख रहे हो आप, ये पूरा पाइपों के ऊपर टिका हुआ जो है ये ब्रिज है, इसके नीचे मतलब कोई भी पिलर वगैरह वो नहीं है जैसे उस पुल के नीचे थे। और अभी लोग इसे देखने भी काफ़ी आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि इसके नीचे पिलर नहीं है? नहीं, इसके नीचे पिलर नहीं है, पाइपों के सहारे ही टिका हुआ ये ब्रिज है। जैसे हरिद्वार में आपने गंगा का ब्रिज देखा होगा, अच्छा, वैसा ही ब्रिज है ये। मुझे जहाँ तक याद है जब हम वहाँ पे जाते थे तो ये तो बना रहे थे पिलर। नहीं, किनारे पे होंगे, बीच में इसके बीच में नहीं है। हाँ, ये पाइप लगाए ही इसलिए गए हैं ताकि इसके नीचे कोई पिलर लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा ही खुद हरिद्वार में भी है। अच्छा अच्छा, तो ये थे प्रिंस, आपको डिटेल बताएं इसका कि क्या होना है। और एक चीज़ बता देते हैं हम कि ये 2010 में कॉमनवेल्थ के समय ही टारगेट था कंप्लीट करना, लेकिन कॉमनवेल्थ की छोड़िए ये 2-3 बार शिफ्ट हुआ और इसके फंड भी बढ़ाए गए। इसको 2010 में जब कंप्लीट नहीं हुआ, 2014 में लाया गया कंप्लीट करने का टारगेट, 14 में नहीं हुआ, फिर 17 में नहीं, फाइनली 2018 में आप देख पा रहे हैं ये ब्रिज। ये रफ्तार और तेज हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी का सपना है बड़े भारत, ये उसका एक नमूना कह सकते हैं जी, एक न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो एक अहम मुद्दा निभाती है। जो लोग 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट करके दिल्ली आते थे, अब वो 1 घंटे में आ सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको 2-3 घंटे ब्रिज पे रुकना पड़ जाता था हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो ये था कुछ शॉर्ट जानकारी इस पुल के बारे में, और भविष्य में आप खुद यहाँ पे एक टूरिस्ट का मुआयना कर सकते हैं। आप एक टूरिस्ट के रूप में जब आएंगे तो पूरा दिल्ली देख सकते हैं, इसकी इतनी हाइट हो चुकी है, ये 4-5 किलोमीटर से अब भी दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।